जयपुर बीजेपी मुख्यालय से लाइव तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का कीर्तिमान रचा है, जश्न के रूप में भाजपा मना रही है जश्न। आपको बता दें जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की प्रेस वार्ता चल रही है, चलिए आपको दिखाते हैं सीधे तस्वीरें। देखिए स्पष्ट बात है, राजस्थान सरकार कोरोना का जो वो काल था जिसके अंदर सबसे भारी समस्या खड़ी हुई, उस समय राजस्थान के अंदर सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वो विपक्ष बन चुकी थी, वो हाथ पे हाथ डाल के बैठ रहे थे जैसे हाथ पांव उनके फूल गए थे और वो केवल केंद्र की तरफ देख रहे थे। जितना काम कोरोना के समय हुआ वो केंद्र सरकार का काम हुआ और विपक्ष ने, राजस्थान की सरकार ने उस समय राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। होटल में थे राजस्थान के अंदर किसानों की हालत बदतर है, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार किसानों के सहयोगी बनने का ढोंग पूरा रचती रहती है। ये ट्वीट करेंगे, ये मीडिया बाइट देंगे, ये दूसरे राज्यों में जाकर अपनी बात रखेंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर किसानों का दर्द समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर सकते। किसान तो दूर, महिलाओं तक को राजस्थान सरकार ने उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। शर्म की बात है राजस्थान के लिए कि आज नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर राजस्थान नंबर वन है महिला उत्पीड़न के अंदर, महिला अत्याचारों के अंदर। तो निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार सिर्फ ढोंग कर रही है अपना शासन करने का। गंगानगर के अंदर लाठी चार्ज हुआ, वहां पर किसान केवल पानी मांग रहे थे और अपनी जो फसल है उसका MSP मांग रहे थे। उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उनकी बात सुनने के लिए राजस्थान की सरकार का कोई भी बड़ा नुमाइंदा वहां नहीं गया? गंगानगर के किसान नहीं है, राजस्थान के दूसरे क्षेत्र के जो किसान है वो किसान नहीं है, लेकिन अपनी राजनीति पूरी करने के लिए किसान के नाम पर राजनीति राजस्थान सरकार जरूर करती है। देखिए जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर यहाँ बात करता हूं तो राज्यवर्धन नहीं बात कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के हर लीडर और हर कार्यकर्ता की आवाज बनकर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। अगर हम सब यहाँ बैठे हैं और प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो हमारी आवाज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और हर लीडर की आवाज है। निसंदेह एक बात से मैं सहमत हूं कि हम सब भारतवासियों का ये के लिए गर्व की बात है कि हम सब ने मिलकर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाया, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि राजस्थान के अंदर जो सत्ताधीन पार्टी है, कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कोरोना के समय कोई कसर नहीं छोड़ी राजनीति करने की। वैक्सीनेशन का सप्लाई राजस्थान में हमेशा सरप्लस में रहा, लेकिन इनकी जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस थी, राजस्थान सरकार की जो जिले तक और वैक्सीनेशन सेंटर तक जो सप्लाई चेन बननी थी, जिस तरह से लोगों को प्रेरित करके वहां वैक्सीनेशन के लिए खड़ा करना था, वो नहीं हुआ। वैक्सीनेशन की एक शीशी खुलती थी तो उसमें 10 डोज होती हैं, लेकिन 10 डोज लगाने वाले व्यक्ति नहीं थे होते थे वहां पर, तो एक डोज लगाकर बाकी फेंक दी जाती थी। ये वेस्टेज हुआ है राजस्थान के अंदर और ये तभी संभव है, ये तभी हुआ है जब इन्होंने अपनी